So hey guys, today in this video we will discuss about how to approach maths paper in CDS. I gave CDS exam 4 times and last time I scored 75 marks in CDS according to me. Okay. So now I will tell you my approach, how I did it. Okay. So let's start in Hindi. I am not so much comfortable in English. So first of all, I know everything about maths paper. आपको वहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं? मैं सब इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा. उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन खुलाया, वहाँ पे पूछ सकते हैं. देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम जो है वो है वहाँ पे 3 बजे थके हुए पेपर देना, है ना. 3 बजे आपको मैथ्स का पेपर है. कुछ बच्चे जो है सेंटर पे स्टेशन से जाएंगे तो वो स्टेशन पर रुकेंगे, 9 से 11 पेपर देंगे, 12 से 2 पेपर देंगे, उसके बाद 3 से 5 देंगे. आपकी हालत जो ख़राब होगी ना 3 बजे, दिक्कत वाली बात है. कुछ जल्दी पहुँच जाएंगे तो 7-8 बजे पहुँच जाएंगे, वो भी एग्ज़ाम देंगे. तो आप जो है ये मान के चलिए आप 3 बजे जो है पूरी तरह से थके हुए होंगे. अभी आपको लग रहा है नहीं होंगे तो वहाँ पर होंगे, ठीक है. मैं प्रेशराइज्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप ज़रूर होंगे, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है. तो अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है. आप कैसे रखेंगे वहाँ पर, मुँह पर पानी मारिए, जो भी करना है वो करिए, रिवाइटलेज खाइए या फिर स्टिंग पिए, जो भी करना है करें, बट अपने आप को एनर्जेटिक वहाँ पर ज़रूर फील कराना है, भले ही चॉकलेट खा के. ओके, मैंने क्या करा था, मैंने वहाँ पर जो है मतलब मुँह धुला था और टी शर्ट में अलग से लेके गया था, वो चेंज कर लिया था मैंने. मतलब हाँ, मेरे को फील हुआ कि कुछ हुआ है. सेकंड चीज़ है हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए. मान लीजिए आपको 50 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं आप मैथ्स में, 60 कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, तो आपको 50 मार्क्स टारगेट करने के लिए आपको 2 घंटे में जो है 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको 55 ही करने हैं. तो अपना टारगेट अपने दिमाग में रख के चलिए. मान लीजिए आप 50 टारगेट कर रहे हैं तो आपको 55 क्वेश्चन ही करने हैं, और पेपर इतना टफ नहीं आता है कि आप 55 क्वेश्चन ना कर पाएँ अगर आपने अच्छे से पढ़ाए तो. अब गलती ये भी मत करिए कि 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन देख रहे हैं और पता चले 40 जो पीछे के थे वही यही थे. तो आपको अपनी माइंडसेट भी ऐसा रखना है ना, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका वो भी ऐसा होना चाहिए कि आप 1 से लेकर 100 तक कम से कम पहुँच जाएँ और हर क्वेश्चन को टाइम दे पाएँ. इसके लिए एक गलती कभी मत करिए कि पूरे पेपर को आप देखते जा रहे हैं, पहले पहला क्वेश्चन 5 में पन्ने पलट रहे हैं, 15 मिनट आपने पढ़ने में वेस्ट कर दिए. ऐसा शायद ही कोई गधा करता होगा, बट अगर आप करते हैं तो मत करिए. ये सब जो है 11th 12th 9th 10th बच्चे थे तब करते थे, BSc ग्रेजुएशन तक यहाँ पे नहीं करना है. ओके, पहला क्वेश्चन देखा आ रहा है तुरंत करना है, दूसरा क्वेश्चन देखा अरे 5 लाइन का पढ़ने में टाइम लगेगा नहीं करना है. जिस क्वेश्चन को पढ़ने में भी आपको टाइम लग रहा है वो क्वेश्चन करिए ही मत, भले ही वो इजी हो. देखो इजी क्वेश्चन कौन से हैं और टफ क्वेश्चन कौन से हैं. इजी क्वेश्चन वो हैं जो आप पढ़ के गए हैं, जिस टॉपिक से आप पढ़ के गए हैं, और CDS में ये मान लीजिए टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आते हैं. एलजेब्रा के क्वेश्चन आपको एक साथ दिखेंगे, टिक्नोमेट्री के एक साथ दिखेंगे. ऐसा होता है कि सेट चेंज करने की वजह से उनके थोड़े बहुत क्वेश्चन अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक साथ में मिल जाएंगे, ज़्यादातर चांस हैं, ठीक है. तो आपने जो टॉपिक करके गए हैं आप अच्छे से उस टॉपिक को करिए, उठाइए और उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस लगा दीजिए. आप मेंसुरेशन करके गए हैं, मेंसुरेशन कर दीजिए. उसमें से ध्यान रखिए मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट आएंगे तो उन्हें छोड़ सकते हैं. देखो ये बहुत बड़ी कला है कि क्वेश्चंस कौन सा टफ है कौन सा ईजी है ना. यहाँ पर तो हम बोल देते हैं आसानी से कि जो टफ़ है उसे छोड़ दो, जो पहली बार में कर सकते हो कर लो. लेकिन देखो कुछ क्वेश्चंस रियली होते हैं, जैसे पृष्ठ की क्षेत्रफल पूछा है आपसे, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल पूछा है, रेडियस पूछी है, मतलब कुछ चीज़ें दी हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हैं तो वो आप कर सकते हैं. कुछ क्वेश्चंस ऐसा है देखते ही हवा में ऊपर उड़ गया. जियोमेट्री में ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक ट्राइंगल है उसमें एंगल ये है, ये बी है, ये इधर से गया लाइन, उसमें दिक्कत आती है. वो आपको माइंड सेट नहीं, वो आप चित्र बनाएंगे तभी समझ में आते हैं. तो उनमें देखिए कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि MN की कितनी संभव वैल्यू है वो डिफ़िकल्ट है, फिर भी आप ये मानिए आपको 2 घंटे में केवल 60 क्वेश्चंस ही करने हैं अगर आप 50 टारगेट कर रहे हैं तो. ओके, और मैथ्स में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखती है. जब मैं बता रहा हूँ 75 स्कोर करा था तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने 82 करके आया था, उसमें से 5 क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है, और 77 है तो लगभग 75 पॉइंट कुछ स्कोर बनना चाहिए. बट फिर भी क्वेश्चंस गलत हम तब लगा पाते हैं जब हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है पूरी तरह से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. मतलब ये कि आपको 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि 60 क्वेश्चंस करें, तब आप नेगेटिव लगा के आएंगे. और गलती से लग रहा है वो तो कोई बात ही नहीं है. तो मैथ्स में तुक्केबाजी करना बहुत गलत चीज़ है, मैथ्स में कभी नहीं करनी चाहिए. तो आप जो टॉपिक पढ़ के गए हैं उन्हें पहले करना है, समझ रहे हो, और जो टॉपिक नहीं पढ़ के गए हैं उन्हें तो सबसे लास्ट में देखना ही देखना है, ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो आपने नहीं पढ़े हैं वो भी कर पाओगे, ठीक है.
कभी एनालाइज करना अपने आप को एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। एक घंटे में आपके तकरीबन स्टार्टिंग में 45 क्वेश्चंस जरूर होने चाहिए, मतलब 45 तक आप पहुंच चुके होने चाहिए। ऐसा नहीं आपने 45 क्वेश्चन कर लिए, 45 तक आपके पढ़ लिए हों क्वेश्चंस, तो आपको अपनी स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा। और ये इस हिसाब से बिल्कुल मत लगाइए कि शुरू के 15 मिनट में 5 ही क्वेश्चन हुए हैं, है ना। और क्वेश्चंस को मैं बता रहा हूँ, रफ पेज जो लास्ट वाला होता है उस पर कभी मत करिए, मतलब देखो क्वेश्चन देख रहे हैं पीछे कर रहे हैं, नहीं वहीं पर करिए, है ना। मतलब मैंने तो वहीं कराया, बट टीचर अगर मना कर दे फिर तो क्या ही कर सकते हैं, पीछे से रफ पेज फाड़ लीजिए फिर आगे करिए। और जो मैंने मैथ्स के क्वेश्चंस की वीडियो डाली है ना, वो ज़रूर देख के जाइए, उनसे ज़रूर आ जाएगा क्वेश्चन। और देखो रिवीजन जो है एंड टाइम पे आपको करना है, और मैंने आपको 5 टॉपिक हमेशा बताए हैं, एक छठवां और ऐड करना चाहूँगा उसमें, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, छठवां टॉपिक DI आ रहा है इसमें, और ये सब मिला के आपके 90+ क्वेश्चन बन जाते हैं। यकीन मानिए आप DI करने के लिए कोई सी भी किताब है आपके पास, DI के 10-15 क्वेश्चन कर लीजिए अलग अलग टाइप के, 2 पाई चार्ट के, 2 बार डायग्राम वाले, 2 ऐसे ऐसे लाइन होती है वो वाले, और हर तरह के 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अपने 10 क्वेश्चन कर लिए और समझ लिए अच्छे से और कर पा रहे हैं, तो ये मान लीजिए आप वहाँ पे भी कर लेंगे, ओके। हाँ, वहाँ पर टिक लगाने में बड़ी दिक्कत वाली बात है ना, आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लगा रहे हैं ऐसा मत करिए, एक पेज को पूरा सॉल्व करिए उसके बाद टिक लगाइए, ओके। आंसर शीट पे, और बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है, ठीक है, लगाने में वहाँ पे दिक्कत नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है कि ये शुरू के एक पेज के क्वेश्चन देखें मूड ख़राब हो गया, एक भी नहीं आ रहा, दूसरा पन्ना देखा नहीं आ रहा, पीछे से आ जाओ भाई, पीछे से करने लग जाओ, ठीक है, 100 से 190, वो देखे अरे बीच में 88 से नहीं आ रहा, बीच का खोल लो 40 से, वहाँ से करो। जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ना टफ है उन्हें छोड़ते जाओ पीछे से, कुछ लगातार हो जाते हैं तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है, तो अलग पेज पर आओ, है ना। और वहाँ पे इतना ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री कराया और पहले पेज पे दिखता है और छठवें पेज पे है, वो तो टाइम लग रहा है, ऐसा टाइम नहीं वेस्ट होता, ओके। तो कुछ मैंने इस वीडियो में क्या बताया, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा, अपने आप को फ्रेश रखना है, 3 बजे के टाइम पे आप थके हुए होंगे, वो चीज़ अपने दिमाग में रखिए। अपना टारगेट जो है वो फिक्स करिए कि आपका टारगेट क्या है, 50 क्वेश्चंस है तो फिर मेरे को 55 क्वेश्चंस करने हैं, 100 नहीं करने, 60 है तो 65 क्वेश्चंस करने हैं। तो 65 क्वेश्चंस करने का मतलब ये है 35 क्वेश्चन जो आपको छोड़ने हैं ना वो जल्दी जल्दी छोड़ने हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं होता आप 35 क्वेश्चन छोड़ने हैं 35 मिनट लगा रहे हैं, 35 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब होता है आप उनको छोड़ने में केवल 10-15 मिनट लगा रहे हैं बस, ओके। टारगेट अपना ध्यान रखना है। तीसरी बात है, आपके जो बेस्ट टॉपिक हैं, जैसे आप जियोमेट्री और मेंसुरेशन करके गए हैं तो उन्हें अच्छे से करके जाइए, वही आएंगे तो उन्हें सबसे पहले करना है। स्टार्टिंग के पेजेस नहीं आ रहे हैं तो पीछे पेज पलट देना है, कोई बात गलती बात। जो मैंने क्वेश्चंस की वीडियो बना रखी है वो आप ज़रूर देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो बड़े क्वेश्चंस हैं उन्हें छोड़ देना है, पहली बार में तो छोड़ ही देना है, फिर वो आपके फेवरेट टॉपिक के हों या ना हो, इजी हो या टफ हो, उन्हें छोड़ दीजिए। पूरा पेज सॉल्व करने के बाद बुकलेट पे आंसर लगाएं। तो ये है बेस्ट जो मैं बता सकता था अपनी तरफ से, आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और बीच बीच में आपको प्यास लगे तो पानी की बॉटल भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। कहने को 120 मिनट है बट एक्चुअली वहाँ पे आपको 5 मिनट मैडम वेस्ट करेंगे या फिर सर वेस्ट करेंगे, आपके पास कॉपी ला के उसमें साइन वाइन करवाएंगे। और रफ पेज का काम जो है वो पीछे नहीं, रफ करने के लिए जगह दी होती है बुकलेट में, बट वहाँ नहीं, जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहीं करना है, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक जो भी आपका मन है कर सकते हैं, और जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाय, गुड लक फॉर योर CDS एग्जाम, इस बार बस पास हो ही जाना, ओके, बाय।